हिंदू दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अग्निवीर आर्मी रैली भर्ती में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं सभी के जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपको काम क्या करना है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की तीन तीन फोटोकॉपी आपको करा लेनी है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, तो इसकी तीन फोटोकॉपी आपको करा लेनी है। ठीक है, तो इसी प्रकार सभी डॉक्यूमेंट्स की तीन तीन फोटोकॉपी करा लेनी है। यहाँ पास वैसे तो दो फोटोकॉपी लिखी हैं, लेकिन आपको तीन तीन फोटोकॉपी करा लेनी है, एक्स्ट्रा लेकर जाना है, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, फिर इसके बाद आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, A4 साइज में आपको एडमिट कार्ड निकलवाना है। इसके बाद दोस्तों, आपको फोटोग्राफ लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लेकर जानी है, 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का, और 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ओके, लेकिन फ़ोटो खिंचवाने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आप अपने बाल कटवा लीजिएगा और बढ़िया मस्त दाढ़ी बनवा लीजिएगा। ठीक है, क्लीन शेव आपको करवा लेनी है। ठीक है, इसके बाद फ़ोटो खिंचवाना है आपको। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट आपको लेकर जानी है, और ओरिजिनल भी लेकर जानी है, और तीन तीन फोटोकॉपी भी करवा लेनी है। फिर इसके बाद प्रोविजनल या ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो वो आपको लेकर जानी है, लेकिन यहाँ पास उस इंस्टीट्यूट के हेड के साइन होना चाहिए पेन से, आप इस बात को नोट कर लीजिए। इसके बाद यदि आपने 10वीं 12वीं जो है तो ओपन स्कूल से पास किया है, तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर जाना है। बात हुई क्लियर? यदि आपने 10वीं 12वीं जो है तो ओपन स्कूल से, जैसे भोज हो गया, तो यदि आपने ओपन स्कूल से 10वीं 12वीं पास किया है तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर जाना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने को मिल जाएगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको लेकर जाना है, जो तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो। फिर इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कि निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है। फिर इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, जो तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो। फिर इसके बाद रिलीजन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, जो तहसीलदार या SDM के द्वारा जारी किया गया हो, लेकिन रिलीजन सर्टिफिकेट जो है तो फिर पे उन्हीं कैंडिडेट को लेकर जाना है जो सिख, हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन धर्म के अलावा किसी और धर्म से हैं। जैसे मान लीजिए बौद्ध धर्म से हैं, तो आपको यहाँ पास रिलीजन सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। यदि आप सिख, हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन से हैं, तो आपको यहाँ पास रिलीजन सर्टिफिकेट लेकर नहीं जाना पड़ेगा। ओके, फिर इसके बाद आपको यहाँ पास स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ओके, जो इस प्रिंसिपल द्वारा जारी किया गया हो या हेडमास्टर द्वारा जारी किया गया हो, ये आसानी से मिल जाता है आपको। ठीक है, तो स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। फिर इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जो विलेज सरपंच, गाँव के सरपंच जो होते हैं उनके द्वारा जारी किया गया हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया गया हो, तो वो आपको यहाँ पास लेकर जाना है करेक्टर सर्टिफिकेट, जो फिक्स मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और जो गांव के सरपंच द्वारा या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया गया हो। फिर इसके बाद आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लेकर जाना है, मतलब कि यदि आपके पापा जो हैं तो आर्मी में हैं, तो आपको रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ओके, फिर इसके बाद आपको यहाँ पास NCC सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आपको NCC सर्टिफिकेट लेकर जाना है। स्पोर्ट सर्टिफिकेट है यदि आपके पास तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, क्योंकि इनके जो हैं तो NCC सर्टिफिकेट, स्पोर्ट सर्टिफिकेट, इन सभी के आपको यहाँ पास नंबर दिए जाते हैं। फिर इसके बाद आपको एफिडेविट बनवा लेनी है, 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में आपको एफिडेविट बनवा लेनी है। बात हुई क्लियर? आपको इसका जो फॉर्मेट है तो अपेंडिक्स D में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको यहाँ पास मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप को इसका फॉर्मेट चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, तो मैं आपको मेल कर दूंगा। ओके,
फिर इसके बाद आपको यहाँ पास बैंक की फोटोकॉपी लेकर जाना है, पैन कार्ड की फोटोकॉपी लेकर जानी है और यहाँ पास आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर जानी है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है और सरपंच या नगर सेवक का यहाँ पास रेजिडेंस प्रूफ आपको लेकर जाना है। ओके, तो इतने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ लेकर जाना है। तो यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।